नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे टीम इंडिया ने कंगारुओं को बहुत बुरी तरह से हराया और टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में बेहद ही शानदार शुरुआत कर दी है। जी हां, आपको बता दें, आज एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सेकेंड वार्म अप मैच खेला गया और इस मैच के दौरान दोस्तों जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार भारतीय गेंदबाजों के सामने एकदम तंग नजर आई, तो वहीं भारतीय बल्लेबाजों ने भी वो कारनामा करके दिखाया जिसके बारे में ऑस्ट्रेलिया ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने 152 रन बनाए हैं जिसमें डेविड वार्नर और फिंच और इसके अलावा मिचेल मार्श कुछ भी खास कर नहीं सके, लेकिन स्टीवन स्मिथ की 57 रनों की पारी देखने को मिली और मैक्सवेल की 37 और स्टोइनिस की शानदार 25 गेंदों पर 41 रनों की पारी देखने को मिली। अब कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 153 रनों का टारगेट दिया था और इसके जवाब में 153 रनों के टारगेट का पीछा किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज एक बार फिर से केएल राहुल की बेहद ही शानदार सजी हुई और तूफानी पारी देखने को मिली, जहां केएल राहुल ने लगातार एक के बाद एक तीन छक्के जड़े, तो वहीं केएल राहुल की इस पारी में 31 गेंदों पर 39 रन उन्होंने बनाया। अपनी पारी में उन्होंने दो चौके भी जड़े और केएल राहुल की ही वो पारी थी जिसने भारतीय टीम को मैच में शुरू से लेकर अंत तक बना कर रखा। और वहीं आज एक बार फिर से रोहित शर्मा को मौका मिला था और रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की तरफ से बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस की, इन्होंने मैच 41 ही गेंदों पर 60 रन जड़ दिया। केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा की पार्टनरशिप बेहद ही शानदार रही और आज ईशान किशन को अंत में उतारने की प्लानिंग थी, हालांकि ईशान किशन का नंबर भी नहीं आया। इसके बाद दोस्तों, केएल राहुल के आउट होते ही सूर्य कुमार यादव आए और सूर्य कुमार यादव ने 27 ही गेंदों पर 38 रन जड़ दिया। अपनी इस पारी में इन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं मैं आपको बता दूं, हार्दिक पांड्या ने भी 8 गेंदों पर एक छोटी सी 14 रनों की शानदार पारी खेली। इस तरह से दोस्तों टीम इंडिया जीत गई और अच्छी और जो खास बात रही वो ये रही कि रोहित शर्मा आज नॉट आउट गए हैं, तो बेहद शानदार ये मैच रहा और टीम इंडिया 153 रनों तक बहुत ही आसानी से मैच 18 ओवर से पहले ही पहुंच गई। तो इस तरह से टीम इंडिया इस मैच को जीत पाई, सिर्फ एक ही विकेट गिरा था और टीम इंडिया ने 153 रन बना लिया। और इस मैच में दोस्तों, मैच के जो असली हीरो रहे वो रहे रोहित शर्मा, लेकिन वहीं केएल राहुल और इसके अलावा सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को भी हम भुला नहीं सकते हैं। जिस तरह की आज हमारे खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस की है, इससे एक बात साफ है कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में बहुत शानदार वापसी कर रही है, लेकिन असली टक्कर तब होगी जब भारत के सामने पाकिस्तान होगी और ये मुकाबला आप सभी को अब सीधे 24 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मैच को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।